राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस बार सदन में विपक्षी पार्टियां किन किन मुद्दों को लेकर के जा रही हैं? हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार ने कहा कि वो जो बैठक हुई थी उसमें बातचीत किया है और वो चाहते हैं कि सदन सही तरीके से चले। सदन सही तरीके से तभी चल सकता है जब जो मुद्दे देश के सामने जनता की कठिनाइयाँ हैं उस पर चर्चा, न्यूनतम समर्थन मूल पर चर्चा हो, हमारी कर्ज माफी पर चर्चा हो, जिस तरीके से कांवर यात्रा पर आपने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सर्कुलर जारी किया है वहाँ पे, जैसे यहाँ पर नीट की परीक्षाओं में बेईमानी और धांधली हुई है, जिस तरीके से आरएसएस पे लगा हुआ प्रतिबंध कि सरकारी कर्मचारी नहीं जाएंगे या वो विरत रहेंगे उससे आप उसको हटा रहे हैं, तो ये सरकार जानबूझ के ऐसे मुद्दे ला रही है जिससे कि सदन की कार्रवाई न चल सके। और कल की बैठक में सब ने कहा, लेकिन 44 लोगों के बोलने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, तो सरकार मुझे गंभीर नहीं दिखती सत्र चलाने में। उसकी चिंता है कैसे बजट पास कराओ और भागो। आरएसएस को लेकर के जो कहा गया, एक नया ऑफिस मेमोरेंडम आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके के आदेश दिए गए। देखिए, आरएसएस एक विचारधारा लेके चलती है, इससे इनकार नहीं कर सकती। महात्मा गांधी की हत्या के समय इसका एक संदेहास्पद रूप देखते हुए इस पर प्रतिबंध लग चुका है पूरा, जो बाद में इनके दोबारा न करने की शर्त पर वापस हुआ है। यही नहीं, नड्डा साहब ने साफ कह दिया है कि अगर ना भी वो हमारा समर्थन दे, यानी एक विचारधारा का राजनीतिक उपयोग भी होता है। 15 साल 10 साल ये सरकार चल चुकी, अटल जी की सरकार चल चुकी, किसी ने नहीं वापस लिया, आप क्यों वापस ले रहे हैं? यानी कि आज आप आरएसएस की विचारधारा में हो जाए, कुछ लोग तमाम और संगठन हैं उनकी विचारधारा में जाए, सरकारी कर्मचारी निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन न करें, तो जो सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा है कि वो राजनीतिक जुड़ाव से अलग हटकर जनता की सेवा करे। आप जानबूझकर आज तो आप कह रहे हैं वो कर सकता है और कल आप मजबूर करेंगे वो करें, तो हम तो इसका विरोध करते हैं और इसे हम सदन में उठाएंगे। इन सब के पीछे किस तरीके की मंशा आप देख रहे हैं? आदेश आया है सरकार की तरफ से, तो आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को इसमें प्रेशर बनाया जा सकता है या फिर क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से, ये मैंने जैसा कहा कि अभी तो सिर्फ उनको छूट दी गई, फिर बाद में उनको विवश किया जाएगा, सर्कुलर नहीं होंगे और व्यवहारिक रूप में विवश किया जाएगा। क्या एक विचारधारा के साथ देश की सेवा हो सकती? भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है, तो फिर आज आरएसएस के लिए तो फिर कल दूसरे लोग भी मांग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी, वो नहीं जानती कि उसका वोट जो कम हो रहा है कहाँ से पूरा करे, और इसीलिए विवादास्पद निर्णय, कभी कांवड़ यात्रा में जाति धर्म बताओ, कभी सरकारी कर्मचारी से कहो आरएसएस की शाखा अटेंड करो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज के लक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर के आपने मुद्दा उठाया, कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी सवाल खड़ा कर रही हैं, जो दुकानदारों के नाम लिखने की बात कही जा रही है। सदन में आप उप नेता हैं, इस मुद्दे को किस तरीके से आप आगे? मैंने तो नियम 267 के अंतर्गत नोटिस दिए और मैं आशा करता हूँ सरकार इसे स्वीकार कर लेगी, पर अगर सरकार नहीं स्वीकार करेगी तो हम नियमों के तहत भरपूर प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम इसे देश के लिए विभाजनकारी मानते हैं। जब आप लगाएंगे तो उसमें सिर्फ धर्म ही नहीं दिखेगा, अगर कोई वाल्मीकि उसकी जात दिखेगी, कोई पिछड़े वर्ग का उसकी जात दिखेगी, दलित जो है उनकी जात दिखेगी, यानी आप उनको रोजी रोटी से छोटे छोटे दिहाड़ी वाले उनको मैं कर रहे हैं। और फिर यात्रा देश में एक नहीं होती, पूरे 365 दिन कहीं ना कहीं देश के हिस्से में यात्रा चलती रहती है, तो क्या आप देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, गरीबों के निवाला मुँह से निकालना चाहते हैं? पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक विरोधी इस सर्कुलर को लाके आप देश को विभाजनकारी खुद बन रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, बजट को लेकर के आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बार? इकोनॉमिक सर्वे आने दीजिए, देखेंगे, पर हम जरूर चाहेंगे सरकारी कर्मचारियों का जो स्लैब है
आयकर का वो घटाया जाए। हम जरूर चाहेंगे कि इसमें जो जीएसटी के लिए वादा था वो कम किया जाए, जीएसटी का वो स्वरूप हो जो लोगों को मदद कर सके, उनका दोहन न कर सके। ऐसे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम चाहेंगे इसमें ज़रूर प्रावधान हो, युवाओं के लिए। तो ये एक बड़ा भारी सवाल है। शुक्रिया सर। तो ये थे राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी, जिन्होंने कहा कि समस्त विपक्षी जो गठबंधन है वो जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको सदन में उठाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।